दोस्तों कैसे हो। आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये वीडियो में ना बहुत अच्छी तरीके से बताया बताने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि पहली वीडियो, इससे जो पहली वीडियो है वो मैंने डाला था टेली के वर्जन के बारे में। प्लेलिस्ट बनाई है ये, उस प्लेलिस्ट में पहले हमने ना अकाउंटेंट के बारे में सारी जानकारी दी है, देन उसके बाद मैंने टेली ERP 9 के बारे में फुल जानकारी दी है, जिससे कि आगे मैं जब भी ना टेली का कोर्स स्टार्ट करूं, जो भी मैं टेली का कोर्स स्टार्ट करूं, उससे क्या होगा ना कि आपको ना सारी इंफॉर्मेशन A to Z जो भी मैंने पढ़ाया है ये सब उसमें मिलने वाली है, और उसी के हिसाब, उसी के बेस पे हमें पढ़ाना है, क्योंकि मैंने पहले भी सारी चीजें ये बता चुके हैं। अब हमें जो बताना है ना वो बताना है टेली के फुल फॉर्म के बारे में, वर्जन के बारे में पहले ही मैंने बता चुका हूँ। और जो वर्जन के बारे में आपको पता नहीं ना, तो दोस्तों इससे जो पिछली वीडियो ना उसे आप देख लो, उसे देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि वो भी और ये दोनों एक साथ में आप देखोगे ना, शुरू से लेकर और अंत तक देखोगे तभी समझ में आएगा। अगर जो बीच में स्केप कर दोगे तो देखने में कोई इंटरेस्टिंग मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी फिलहाल में हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे और हम जो है कि पोस्ट जो कि टेली की स्थिति के बारे में हम जानेंगे। तो टेली का जो है कि फुल फॉर्म होता है स्टैंड फॉर टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये है ना कि आपके पूरे साल का लेखा जोखा रखने वाला है, पूरे साल का हिसाब किताब है। आप बिजनेस करते हो, जब भी आप बिजनेस करते हो तो क्या होता है उसमें आप सेल्स परचेज या किसी को पेमेंट या किसी से रिसीव सारी चीजें आप करते हो, तो देन उसका क्या करोगे, आप हिसाब तो रखोगे, हिसाब तो रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसको कहा गया है कुल लेखा अग्रिम सूची वर्ष, यानी पूरे वर्ष का लेखा जोखा रखने वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त। आगे जो आता है ना वो आता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ERP 9, वो तो टेली का था, ये ERP 9 का, जरा ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। इसका है स्टैंड फॉर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ समझ लेते हैं, उद्यम संसाधन योजना, यानी हमारे जो भी बिजनेस हम करते हैं, ठीक है, जो भी हम बिजनेस करते हैं उसको चलाने वाला सॉफ्टवेयर, उसके हिसाब किताब रखने वाला सॉफ्टवेयर, यानी हमारा जो कि बिजनेस जो भी हम करते हैं उसका लेन देन हम करते हैं उसको क्या करता है, वो भी करता है। और फिर हमारे बिजनेस को कहां तक प्रॉफिट में गया है, किस तरह से गया है, कहां हमारा जो कि लॉस हुआ है, कहां हमारा प्रॉफिट हुआ है, किस महीने में हमने ज्यादा प्रॉफिट किया है, किस महीने में हमने कम प्रॉफिट, और फिर भी ये रहेगा तो क्या होगा, हमें लागत कम माने मजदूरी कम देनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि हम अकाउंटेंट रखेंगे तो बहुत सारे अकाउंटेंट अलग अलग रखने पड़ेंगे, हिसाब भी कराने पड़ेंगे, सारी चीजें करानी पड़ेंगी, मगर इससे क्या होता है, इससे हमारे बिजनेस का विकास होता है और ये सॉफ्टवेयर हमारे बिजनेस में विकास में योगदान देता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है, कह रहे कि व्हाट इज टेली ERP 9, टेली ERP 9 क्या है, टेली ERP 9 इज पावरफुल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एक ये पावरफुल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप माने प्राइवेट कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो या खुद का आपका बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबका आप क्योंकि हिसाब किताब रख सकते हो। तो इसीलिए बनाया गया है टेली ERP 9 को। आप टेली ERP 9 में आप कर क्या सकते हो, तो आप टेली ERP में सारी चीजें कर सकते हो। देन मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए, कि जैसे मान लो आप ना टेली में जो है कि अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, इन्वेंटरी बना सकते हो, TDS काट सकते हो, पेरोल परफॉर्मेंस कर सकते हो। नहीं, पेरोल होता है कि जैसे मान लो कि आपको किसी का सैलरी बनानी हो, किसी कंपनी में सैलरी बना ले हो तो उसमें TDS कटता है, ठीक ना, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद अकाउंटिंग मैनेजमेंट कर सकते हो, यानी अकाउंट को मेंटेन कर सकते हो, यानी हमारे सेल्स परचेज पार्टी किया है, किसको कितना पेमेंट किया, किससे कितना रिसीव किया, कहाँ मैंने इंटरेस्ट लिया, कहाँ से इंटरेस्ट लिया, कहाँ से कितना माल आया, कहाँ से कितना माल गया, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। और इनवाइस यानी बिलिंग, बिलिंग का भी काम कर सकते हो, बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हो, सेल्स परचेज ऑर्डर भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, आपको कितना बताऊं। आगे आप जब मैं टेली का कोर्स स्टार्ट कराऊंगा तो खुद ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों आगे थोड़ा बहुत।
अब हम ज्यादा नहीं काम लेंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा ही बहुत बताएंगे और इतना ही आपको समझना है, ठीक है। अब अगला जो है ना, कि अगला जो मैं बताने वाला हूं वो मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट टेली कैन डू फॉर यू। टेली आपके लिए क्या कर सकता है, टेली आपके लिए क्या कर सकता है, टेली आपके लिए कर सकता है बिना, विदाउट कोड, विदाउट कोड, बिना कोड के आप चला सकते हो इसे, दोनों तरीके से आप चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, कंप्रोमाइज कवरेज, यानी आप ना इसका ना जितना मान लो कि व्यापक कवरेज, यानी मान लो कि आपको ये लगता है कि नहीं हमारे जो है कि बिजनेस हमने किया तो बिजनेस में कुछ हमें लॉस हो गया या बिजनेस हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाए, तो उस बिजनेस के इस ईयर में जो कि हम उस बिजनेस का जो है कि कुछ कवर कर सकते हैं, कुछ पैसे या मान लो कि कुछ इन्वेस्टमेंट करके कुछ अच्छी तरीके से इसे हम बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं, तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं आउटस्टैंडिंग खर्चे, हमारे खर्चे कितने हुए, या बकाया हमने किसी की कितना लिया, या बकाया हमने किसको दिया। तो आउटस्टैंडिंग खर्चे यानी बकाया, हमने किसी का बकाया है तो वही होता है, दिया नहीं मैंने, हमने लिया है किसी से बकाया, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अब मान लो कि हो सकता है कि हमने किसी से ब्याज पे पैसे लिए हो, ठीक है, तो ब्याज पे पैसे लेंगे तो वो भी हमारा क्या होता है, उसका भी गणना करना पड़ेगा, ब्याज की गणना करनी पड़ेगी कि हमने ब्याज कितना दिया है, माने हमने कंपनी स्टार्ट किया होगा, अगर जो हमने कहीं लोन लिया हो या किसी से, मान लो कि जैसे किसी से हमारे पर्सनल कोई है उनसे हमने पैसे ले लिए, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉस्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन, मतलब कि हमने जो भी लागत लगाया, जो भी हमने लागत लगाया उस पे जो कि लाभ की गणना, कितना हमने पूंजी लगाया कंपनी में और कितना हमें लाभ, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा, ठीक, चलते हैं आगे। उसके बाद आता है बजटिंग, अब बजट मान लो कि अभी फिलहाल में गवर्नमेंट ने जो है कि मान लो कि हर साल गवर्नमेंट अप्रैल में बजट बनाती है, क्या बजट बनावे, जनता को देख के, जनता जैसे मान लो कि जनगणना होती है, जनगणना के हिसाब से बजट बनता है, जनगणना के हिसाब से ये बजट बनता है कि अगर जो मान लो कि किसी को हमें पेंशन देनी है, यानी वृद्धा, विकलांग, विधवा, इन सारों की पेंशन होती है ना, तो वो पेंशन देनी है, तो पेंशन में क्या करती है सरकार, उस गणना के अनुसार पे नहीं, जितने विकलांग, विधवा और वृद्ध होते हैं उनकी अलग, जहां रोड बनने हैं उसके अलग, जहां आवास देने हैं उसके अलग, जहां जो है कि हाईवे बनने हैं वहां अलग, हाईवे या रोड बनने हैं अलग, या गांव का रोड बनना है उसके लिए ग्राम प्रधान को, यानी सारी चीजें मैंने सब मिला जुला के ये होता है कि जितनी संख्या होती है, जितनी एरिया होती है, उस हिसाब से बजट बनता है कि इस क्षेत्र में इतना लगेगा, इस क्षेत्र में इतना करोड़ रुपये लगेंगे, इस क्षेत्र में इतना करोड़ रुपये। उसी तरह आप भी अगर जो पिछली साल आपकी कंपनी लॉस में है और आपने कुछ मान लो कि अपना जो कि आइटम बढ़ा लिया है, कुछ मजदूर बढ़ा लिए हो, कुछ मान लो कि आपने नया प्लांट कोई बना लिया है, उस हिसाब से आप बजट बनाओ कि हमारी इस साल का बजट इतना होगा और इस बजट के आधार पे हम जो है कि कंपनी को चला सकते हैं। उसके बाद आता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डाटा, यानी कितना हमने माल मंगाया और कितना हमने आयात और निर्यात किया, ठीक ना, या कितना हमने देखा, ठीक ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को यार यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि अगली वीडियो कभी भी मैं डालू ना तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और इससे अपना ज्ञान अर्जित कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना, थैंक्स वॉचिंग द वीडियो।